दोस्तों कहते हैं हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। हालांकि ये बातें आपने दुनिया में बहुत से लोगों से देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन हिपोक्रेसी का जो चेहरा है ना, पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। इमरान खान ने सबसे पहली हिपोक्रेसी तो अफगानिस्तान के मामले में दिखाई। भारत ने मीटिंग में उनको इन्वाइट किया और वो मीटिंग के अंदर नहीं आए। चलो नहीं आए तो कोई बात नहीं, उनकी एक मसले हैं, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन उस मीटिंग के ऊपर भारत को स्पॉइलर कहना और ये कहना कि स्पॉइलर कभी भी पीस मेकर नहीं हो सकते, ये बातें सही नहीं है। अफगानिस्तान के भविष्य का फैसला भारत के बिना नहीं हो सकता है, पाकिस्तान चाहे लिख कर ले ले। लेकिन पाकिस्तान इन दिनों क्या कर रहा है? भारत के अंदर उसने मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया, कोई बात नहीं, बॉयकॉट कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने ही देश के अंदर ट्रोइका प्लस की मीटिंग बुला ली और इस मीटिंग के अंदर रशिया, चाइना और इसी के साथ सभी देश आ रहे हैं और ये मीटिंग होने जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या अर्ज कर रहे हैं सभी देशों के साथ? वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान मदद भेजने वाला है, एड भेजने वाला है, और मैं पीएम इमरान खान आपको अर्ज करता हूँ, आप सभी कंट्रीज को, कि आप भी इसी तरीके का रूटीन फॉलो करें और अफगानिस्तान को मदद भेजें। पाकिस्तान ने सबसे पहले मदद भेजी तो उसके झंडे को उखाड़कर फेंक दिया था ट्रकों के ऊपर से। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को रत्ती भर भी स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन हिपोक्रेटिक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज कह रहे हैं कि एड अफगानिस्तान के अंदर भेजो। चलो कोई बात नहीं, भारत तो 50,000 टन का गेहूं भेज ही रहा है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उसको पाकिस्तान क्यों रोक रहा है? दोस्तों कभी 5 नवंबर का ये आर्टिकल है और आज आप तारीख देख लीजिए, ये एक आर्टिकल की तारीख आपको दी होगी 11 नवंबर की है, यानी कि 7 दिन बाद भी ये कह रहे हैं दुनिया को कि आप ऐड भेजो अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन भारत पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान के अंदर ऐड भेजना चाहता है, खाना भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान डीले पर डीले करता जा रहा है। हालांकि ये आर्टिकल आप देख लीजिए, इंडिया ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान डीले पर डीले करता जा रहा है। और 7 दिन बाद, आर्टिकल लिखने के 7 दिन बाद इमरान खान का ये बयान आया है, लेकिन फिर भी भारत की रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं आया है, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर हिपोक्रेसी की एक नए चेहरा बनकर उभरे हैं इमरान खान। अफगानिस्तान के अंदर मदद की ये बात करते हैं, लेकिन दुनिया आज मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं कि मदद को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते। शायद तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इसमें भी एक दलाली देख रहे होंगे, घपलेबाजी देख रहे होंगे, शायद तक वो देख रहे होंगे कि भारत यहाँ से अपना एक सामान भेजेगा तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। अब दोस्तों अगर ये फ़ायदे की बात करते हैं तो इन्हें ये भी बात नहीं करनी चाहिए कि अफगानिस्तान की मदद करो। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।